You know me as Shaurya and many other names. इस शो से कैरेक्टर से बहुत प्यार मिला, मुझे कोई काम नहीं दे रहा था। अपने डैड की सर्जरी के लिए जा रहा था, पैसों की जरूरत थी, बर्तन भी धोता था, कपड़े भी धोता था, बाथरूम भी धोता था, झाड़ू पोछा कर सकता है, वो अच्छा एक्टर बन सकता है। Hi, this is Karanveer Sharma. You know me as Shaurya and many other names. And you're watching me on Tele Khazana. Keep watching. Karanveer, सबसे पहले तो Tele Khazana में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you for having me. आज लास्ट डे है आपका इस सेट पर, शौर्य और अनोखी की कहानी पर। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही इमोशन, ऑब्वियसली बहुत तरह के इमोशंस हैं राइट नाउ, बट व्हाट वुड यू वांट टू से? ऐसे, यू नो, आई वुड जस्ट लाइक टू से दिस, एंड आई एम रियली ग्लैड द रीजन आई गॉट आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, वो इसलिए था क्योंकि इसमें बहुत पाथ ब्रेकिंग चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे यू नीड टू शाइन लाइट ऑन, यू नो, जो कहना ज़रूरी है। जैसे आप एजुकेशन की बात करें, इक्वल राइट्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी, हैं और रहनी चाहिए। तो इसमें से जितनी भी सीख लोगों को मिलती है, हम सिखाने की कोशिश नहीं करते, एंटरटेनिंग वे में बताने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली डू, मैं यही कहूँगा कि एज एन ऑडियंस ऑलवेज सपोर्ट गुड कॉन्टेंट लाइक यू गाइज ऑलवेज डू, और ताकि हमें भी एक्साइटमेंट हो ऐसे किरदार प्ले करने के लिए। तो यही कहना चाहूँगा, थैंक यू द राइटर्स, क्रिएटर्स, द ऑडियंस, कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, एंड जस्ट अ बिग थैंक यू टू एवरीबॉडी। करणवीर, आपकी अगर अब तक की जर्नी देखी जाए तो बहुत बहुत एक जो ग्राफ है वो बहुत अप एंड डाउन भी हुआ है। आपने डेकेड आई थिंक जो है स्ट्रगल किया है, और फाइनली आपको शौर्य के रूप में जो प्यार मिला वो शायद किसी और किरदार को निभाकर नहीं मिला। जी, यू एब्सोल्युटली राइट। आल्सो इसलिए प्यार मिला बिकॉज एवरी मैंने शो उठाने से पहले मनोज जोशी से बात की थी, उनके साथ मैंने एक प्रीवियस शो किया था, मंगलम दंगलम। तो मनोज जोशी जी और मैं बहुत खास दोस्त हैं, वी नॉट दैट रेगुलरली इन टच विद, बट वी ऑलवेज केयर फॉर ईच अदर। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार, यू नो, जो प्यार मिलता है तुम्हें टेलीविजन से, फिल्मों से कभी इतना नहीं मिल सकता। एंड ही सो राइट, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि क्योंकि आप सबके घर में आप जा रहे हैं, आप लिटरली सबके घर का हिस्सा बन जाते हैं, एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि वह एवरीडे आपको देखते हैं। तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और इसलिए प्यार भी आपको उतना मिलता है और सराहा भी उतना जाता है। तो डेफिनेटली मुझे इस शो से और इस कैरेक्टर से बहुत प्यार मिला है, बिकॉज एक तो कैरेक्टर इतना अच्छा है, और दूसरी बात यह है कि एक आपके परफॉर्मेंस को लोगों ने एक्नॉलेज किया है ओवरऑल, तो उसमें भी सबका हाथ है, यू नो, फ्रॉम द मेकर्स टू द ऑडियंस एंड एवरीवन इन द मिडल। मैं तो बस एक छोटा सा ही पार्ट हूँ, सो आई फील रियली ब्लेस्ड के फाइनली, यू नो, लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं इस किस्म के परफॉर्मेंस को और लेयर्स को, जो टेलीविजन में और भी आने चाहिए, और भी कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग होने चाहिए। सो आई फील रियली ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी थैंकफुल। स्ट्रगल की अगर आपकी बात की जाए तो आपने बहुत लंबे अरसे तक स्ट्रगल किया है, और एक एक्टर की लाइफ में अगर स्ट्रगल देखा जाए तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हाउ डिड यू मैनेज टू सर्वाइव? एंड आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे वक्त आए होंगे व्हेन इट वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर यू। हाउ डिड यू कीप, यू नो, दैट इन दैट आग, द फायर इन यू, कि नहीं मेरे को अभी इसी में परस्यू करना है, दिस इज व्हाट आई एम गोना कंटिन्यू एंड देखिए, यू नो, मेरे पास जब ऑप्शन थी तब हमेशा कन्फ्यूजन थी। जब ऑप्शन नहीं रहती तो फिर आपकी कन्फ्यूजन भी हट जाती है। जैसे मैंने अपना MBA छोड़ दिया था, तो इसलिए छोड़ा था बिकॉज आई फेल्ट दैट आई विल नॉट डू जस्टिस टू ईदर ऑफ द थिंग्स, वेदर इट्स MBA और अ कॉर्पोरेट वर्क और एनीथिंग एल्स। तो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द कन्फ्यूजन। जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहती ना, देन दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू आर चेसिंग बिकम्स योर ओनली ऑप्शन। मेरे साथ ऐसा हुआ है, और ब्रदर मैं ऐसा हूँ।
दूसरी बात यह कि अप्स एंड डाउन्स मुझे छोटी से छोटी चीज़ों में होती हैं एज एन एक्टर. जैसे जब हम एक कैरेक्टर की शुरुआत करते हैं, जैसे शौर्य की बात करें, तो उसमें भी मुझे अप्स एंड डाउन्स बहुत आए. मतलब बहुत कन्फ्यूजन से मेरी शुरुआत होती है, कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से, और वहाँ ही आई थिंक सम काइंड ऑफ मैजिक हैपेंस, बिकॉज वहाँ पे रिसर्च जाती है, वहाँ पे प्रेपरेशन जाती है, ट्रेनिंग जाती है. जैसे इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, तो आई हैड लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स की किताबें विच आई वॉज रीविजिटिंग, जो मेरे पास थी, कुछ मैंने खरीद ली. फिर एक प्रोफेसर का कैरेक्टर है, आई डिडंट वांट टू बिकम अ एटिपिकल प्रोफेसर जो टेलीविजन या मूवीज में दिखाया जाता है. हैज़ टू बी वेरी रियल. जब ये काम की बात करता है तो काम उस लोगों को समझ आना चाहिए, ऑडियंस को भी समझ आना चाहिए कि ये कुछ सिखा रहा है, और वो जेन्युइनिटी आप रखेंगे अपने कैरेक्टर के लिए तो होता है. तो अगर अप्स एंड डाउन्स की बात करें, तो वी स्ट्रगल एवरी डे टू गेट द राइट शॉट, टू गेट द राइट लुक, द राइट परफॉर्मेंस. तो स्ट्रगल एक एक्टर के साथ तो जुड़ी होती है जिंदगी भर. फिर उसको आगे कैसे प्रमोट करना है, उसकी स्ट्रगल होती है. लाइफ की स्ट्रगल करें तो अपॉर्चुनिटीज़ के भी ऐसा होता है. मगर मेरा एक सिंपल सा रूल है, जब मुझे एक जॉब मिलता है, 10 और लोग होते हैं जिन्हें नहीं मिलता, जब मुझे उनके लिए बुरा नहीं लगता, तो फिर जब मुझे नहीं मिलता तो इतना बुरा नहीं लगना चाहिए. इट्स जस्ट लाइक अ फेयर गेम आई फील. एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि यू नो बॉलीवुड, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलेब्स ऐसे हैं जिन्होंने करियर की शुरुआत टीवी से की जी, और वो बॉलीवुड तक पहुँचे. इस जो सफ़र को इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि बहुत स्ट्रगल होता है, हर अगर बॉलीवुड में भी आप स्टार्ट करते हो तो स्ट्रगल इज़ एवरीवेयर, बट ये एक अलग से एक स्ट्रगल कहा जाता है. बट आपने, अगर आपकी जर्नी देखी जाए, देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ दिस, क्या कहना चाहेंगे, ज़्यादा आपको क्या लगता है कि रिकॉग्निशन, ज्यादा प्यार कहाँ से मिला, या फिर ज्यादा एक्सपीरियंसेस कहाँ से मिले? हर चीज से कोई ना कोई एक सबक मिलती है. मुझे जनरली हर एक्सपीरियंस मेरा अलग रहता है. मैं कभी कंपेयर नहीं कर पाता, बिकॉज लोग अलग रहते हैं, सिचुएशंस अलग रहती हैं. तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखता हूँ, फेलियर से ज़्यादा सीखता हूँ, स्ट्रगल से ज़्यादा सीखता हूँ, क्या चीज़ वर्क करती है मेरे हाथों में नहीं है, बट मेरी डेडिकेशन वही रहती है. मेरे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं लाइफ में, सबके होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मगर होते हैं सबके हैं. तो मैंने एक चीज़ हमेशा कोशिश की है कि मैं अपना 100% दूँ, देन आई लीव द रेस्ट, कि जो भी डेस्टिनी में होगा देखा जाएगा. बट अगर मैं अपना 100% नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि मेरी ही गलती है. तो आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल, यू नो, आप कोशिश कीजिए, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है. कभी ऐसा हुआ इस पूरे सफर में कि यू नो नॉट जस्ट शौर्य एज अ शौर्य, बट पूरे जो जर्नी है आपकी, जब से आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा है, कभी ऐसा हुआ कि आप अपने लाइफ के बहुत ही एक लो फेज में जा रहे थे, एंड हाउ डिड यू टैकल इट, हाउ इफ देयर वाज अ फेज, एंड इफ यू एवर हमेशा होता है, मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं. बट कभी कभी कुछ फैमिली प्रॉब्लम होती है, या कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं ऐसी. जैसे शौर्य के दौरान ही देयर वर सो मेनी थिंग्स. एक तो जैसे आई रिमेम्बर माय आंट वाज इन वेल वन डे, एंड शी वाज प्रोफ्यूजली इन अ स्टेट वेयर उसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए थी, और मैं शौर्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस शूट कर रहा था, और शो की शुरुआत हुई हुई थी, तो मेरे स्केड्यूल से मैं निकल नहीं पा रहा था, और लोग वक्त पे नहीं पहुंच पा रहे, तो वो कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीज़ें करनी. तो वो एक आई थिंक आप यू हैव टू जस्ट ओन अप टू द चैलेंज, एंड ये सब करना पड़ता है. तो वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यू नो, एक ऐसा वक्त था जब मुझे कोई काम नहीं दे रहा था, तो यू स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग, तो डाउट आने लग जाता है. फिर एक ऐसा वक्त था कि मैं अपने डैड की सर्जरी के लिए जा रहा था, और एक मेजर सर्जरी थी उनकी, और उस टाइम पे मुझे शूट भी लेना था, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी. तो मैं शूट ख़त्म करके गया, सुबह मैंने यू नो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, फिर वो लंबा सिलसिला चलता रहा, साथ में शूट भी करनी थी, तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. तो मुझे लगता है एक स्ट्रगल आपको रियलाइज़ कराती है कि आप कितने हद तक आप ब्रेक होंगे या नहीं ब्रेक होंगे.
एक ऐसा वक्त था जब यू नो बैंक बैलेंस कम हो गया था, सिचुएशन ख़राब हो गई थी, बट आई थिंक दैट्स मेड मी अ बेटर एक्टर, अ बेटर ह्यूमन बींग. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट टाइम. और मैं वो चीज़ें कभी भूलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो मुझे चीज़ें ग्राउंडेड रखती हैं. ओके, ऑन अ लाइटर मोड, आपने कपड़े भी धोए हैं खुद से, वो कितना बड़ा स्ट्रगल रहा? कपड़े धोना, मैंने जब मुझे कोविड हुआ था तो मैंने बहुत कपड़े धोए थे, बिकॉज मुझे और कुछ करने को था नहीं. तो बर्तन भी धोता था, कपड़े भी धोता था, बाथरूम भी धोता था, झाड़ू पोछा, अपनी बेडशीट्स भी क्लीन करता. एक रूम में अब बंधे होते हैं. मैं गोवा में था जब मुझे ऐसा हुआ था, तो आइसोलेशन पीरियड था, तो आई डोंट वांट टू यूटिलाइज. इनफैक्ट मैंने शूट भी किया था, कुछ ऐसे शॉट्स रह गए थे हमारे, और ऑडियंस भी मिस कर रही थी शॉटर को, तो आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज इट. मैंने लिटरली अपने फ़ोन से शूट किया था, एंड वो टेलीकास्ट का हिस्सा भी है जहाँ पे मुझे पट्टी बंदी होती है, और मैं और एक्चुअली मुझे ना किडनैप किया जाता है, उसके कुछ शॉट्स थे वो भी किए, कुछ कुछ ऐसे थे बिफोर किडनैप, कुछ शॉट्स थे जहाँ पे मैं बस बेड पे सो रहा होता हूँ, और वो लोकेशन सेम थी, बिकॉज सारे रूम्स लकीली सेम थे. तो उन्होंने बोला आप कहीं से भी शूट कीजिए, तो मैंने 4K में शूट कर दिया. बट आई वॉन्टेड टू बी वेरी क्रिएटिव एंड आई वॉन्ट टू मैच द स्टैंडर्ड्स ऑफ द DOP, तो मैंने उनसे रेफरेंस लाइट्स मंगवाई, कॉस्ट्यूम मंगवाया, एक फ्रेम सेट किया, और मैंने लिटरली, मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था और किसी के पास गोवा में मिल नहीं रहा था, बिकॉज वहाँ पे भी लॉकडाउन हो गया था. तो मैंने एक डबल साइड टेप मंगाई, कुछ अदर टेप्स मंगाई, उससे अपने फ़ोन को बांधा, फ्रेम सेट करवाया, और एक लैम्प से मैंने उसको जोड़ दिया, और वहाँ से फिर जाके आई यूज़ टू रिकॉर्ड, आई यूज़ टू गो डू माई सीन, रिमूव इट, चेक इट, ये सारी चीज़ें करता था. सो दैट्स बिन अ लॉट ऑफ फन, यू नो. आई थिंक यू नो कपड़े धोना तो इंटरेस्टिंग नहीं है इतना जितना कपड़े सुखाना है, क्योंकि बार बार आप चेक करते रहते हैं कि सूख गया कि नहीं सूखा, सर अभी इसको आयन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो इट्स दोज थिंग्स. आई रिमेंबर मिस्टर अनुपम खेर टेलिंग मी दिस, जब मैंने उनका एक्टिंग कोर्स किया था, अजीब सी बात थी, पर उन्होंने कहा था कि उसका मतलब मैं समझ नहीं पाया, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन भी नहीं किया, अब जाके थोड़ा बहुत समझ आता है मुझे, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो. उन्होंने कहा था कि जो इंसान झाड़ू कर सकता है ना, झाड़ू पोछा कर सकता है, वो अच्छा एक्टर बन सकता है. और वो मुझे समझ नहीं आया, ऐसे क्या लॉजिक क्या है, मतलब अगर मुझे झाड़ू पोछा नहीं आता मैं एक्टर नहीं बन सकता. इट्स नॉट द टफेस्ट थिंग, बट इट्स लाइक ही सेड, जो इंसान रियल लाइफ जिंदगी जी नहीं सकता है तो वो कुछ नहीं कर सकता. मुझे उसका मतलब यही है. तो सारे एक्सपीरियंसेस आपको एक बेटर परफॉर्मर बना देते हैं, मुझे लगता है ऐसा. ओके, शौर्य को एज शौर्य भी प्यार मिला, और शाकी को तो ढेर सारा प्यार मिला, उसके लिए फैंस को क्या कहना चाहिए? मैं फैंस को यही कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं मिल नहीं सकता या रिप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं उनके एफर्ट्स देखता हूँ. मैं ऐसे प्रोफेशनल वीडियोस देखता हूँ जो वो हमारे शो के कैरेक्टर्स पे बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं. सो इट्स अ लॉट ऑफ फन, वी हैव अ लॉट ऑफ फन, यू नो. वी लुक इनटू इट दैट वी अप्रिशिएट एवरीबॉडी. जिनको नहीं कर सकते तो वी रियली सॉरी अबाउट दैट. बट शाखी को इतना प्यार देना, आई न्यू व्हेन I always wanted to be part of a love story, और ऐसी love story बहुत कम बनती है, you know. और उसकी intensity जो story की, I think that's what drives the characters and the attachment. Because हम जब भी scene करते हैं तो intensity से करते हैं और fake करने की कोशिश नहीं करते, because हर character हमारे show में बहुत real है, तो उनके performances भी बहुत real होने चाहिए. Okay, thank you so much, thank you. Pleasure.